हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डायपोल रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे रखा हुआ है, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो वो सिचुएशन देखिए यहाँ पे हमने बनाई है। तो ये देखिए, ये जो है रेड लाइन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में देखिए, ऐसे सिचुएशन में इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क कैसे लगता है देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, राइट की तरफ। देखिए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, दिस एफ विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। देखिए क्यू इंटू ई, ये फोर्स की वैल्यू हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से फोर्स को क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। अब ये देखिए इस तरफ क्यों लग रहा है, ये जो है फोर्स का डायरेक्शन, आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो ये सारी लाइन इधर से आ रही है, तो इसका मतलब इधर कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही है। यदि इधर कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, अवे। तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रहा और वही पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, बस डायरेक्शन अलग है। तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर ये भी लग रहा है क्यू इंटू ई, डायरेक्शन अलग है बट दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पे एक टॉर्क लग गया क्योंकि अब ये रोटेट करेगा इसको। तो देखिए टॉर्क का इसकी इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी है हमें वो निकालना है। तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स, ठीक है, फोर्स और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करें, ये जो फोर्स है और ये फोर्स, इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये फोर्स वाली लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए, तो अब यहाँ इस दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वही इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वही इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब देखिए ये जो है इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो हम ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ये जो एंगल है थीटा है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है नहीं मालूम है, चलो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एक्स, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है। अब आप इसमें साइन थीटा अगर लगाएं तो साइन थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 2a, तो इससे आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, इस फॉर्मूले में आप रखेंगे। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोर्स हो गया QE, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, देखिए ये क्या बन गया q इंटू टू ए, ये होता डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आप एक्चुअली इसको p से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पी ई साइन थीटा ये बना टॉर्क का फॉर्मूला। और ये देखिए ये स्केलर फॉर्म है, अब ये डायपोल और जो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P क्रॉस E, क्योंकि यहाँ साइन थीटा आ रहा है, देखिए जब भी साइन थीटा आएगा मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है और ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन बनेगी, इफ थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, तो ये किस केस में होगा, यदि ये जो डायपोल है ऐसा हो जाए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में ही अलाइन हो जाए, तब उसमें टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो इस केस में टॉर्क हो गया मिनिमम और इसमें टॉर्क हो गया जीरो। और इफ थीटा इज 90 डिग्री,
जब 90 डिग्री होगा तब यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, तो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एंड इट इज इक्वल टू सिंपली पी ई। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो आप इससे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पी क्रॉस ई करना पड़ेगा। राइट हैंड पाम रूल से आप निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है, तो अपने हाथ को पहले पी के डायरेक्शन में रखेंगे यानी इस डायरेक्शन में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप मोड़ेंगे तो अंगूठा देखिए अंदर जा रहा है, तो इसमें जो है इस केस में जो टॉर्क का डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड है, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। अब ये देखिए एक न्यूमेरिकल है टॉर्क के ऊपर, इसमें क्या दिया एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि 30 डिग्री एंगल के साथ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है और क्या बोला, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, यानी पी की वैल्यू आपको निकालना है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, फॉर्मूला आप लगाएंगे टॉर्क का, टॉर्क का ये फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क की जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 ये गिवन है, पी आपको निकालना है, और जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 10 टू द पावर 4 और साइन थीटा है 30 डिग्री, साइन 30। ठीक है, अब आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये पावर माइनस 4 बन जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 हो गया, और यहाँ बच गया पी साइन 30 हो गया 1/2, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, पी विल बी इक्वल टू 9 to 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। तो ये डायपोल का वैल्यू आ गया दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो यहाँ पे देखिए एक डायपोल के बारे में बताया है और बोला है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज ये दिया हुआ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन बिटवीन डायपोल है, इसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इसकी भी वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। और उसके बाद बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट ऑन द डायपोल। तो देखिए टॉर्क निकालना है आपके, टॉर्क का ये फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पूछा मैक्सिमम टॉर्क, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया मैक्सिमम टॉर्क किस केस में होगा, जब जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, आप देखिए पी क्या है, पी तो है डायपोल मोमेंट, तो और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, तो ये पी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 और साइन 91 हो गया, Q की वैल्यू यहाँ से आप लिख लेंगे 1/3 10 टू द पावर माइनस 7, 2a की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 3 इंटू 10 टू द पावर 7। तो देखिए 3 से ये 3 तो कट गया और ये 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 7 ये 0 हो कट जाएगा इसकी वैल्यू, और केवल बच गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 न्यूटन मीटर। तो ये जो टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है फाइनल वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा 0.02 न्यूटन मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।